अरे भागो यहाँ से। अरे कोई पानी लेके आओ। या अल्लाह तू खैर कर। अरे ना मुरादो यहां खड़े खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? आग लगी है, जाओ जाकर आग बुझाओ। या अल्लाह ये कैसी कयामत आई है? वार भद्दर ज्योतिषी ने लय महत्वाचं काम पार पाडले, आता जबाबदारी आपली आहे। कुणी फसणार नाही, कुणी गाफील राहणार नाही। आलं ध्यानात? युवराज या पेटत्या कोठाराचा फायदा घेतील, अख्खी छावणी भीतीनं बेसावध होईल, त्याच वेळी युवराज बाहेर पडतील। तुम्हा सगळ्यांना नेमून दिलेली कामं न चुकता पार पाडायची, आलं लक्षात? आता येळ प्रसंगी जीव द्या, पर युवराजांचा जीव वाचला पाहिजे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चला काय झालं? आग लगी है, आग की लपटे देखो, आसमान छू रही है, लगता है आज छावणी पूरी खाक हो जाएगी। अरे मग बघत का उभे राहिलात? आग आटोक्यात आणली पाहिजे, विजवा चला। हम यहाँ से एक कदम भी हिल नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिवा निगरानी के दूसरा काम करने का हुक्म नहीं है। ठीक है, हमें उल्लू समझता है युवराज, हम यही ठहरेंगे। इतनी आग, इतनी बड़ी लापरवाही क्या है मुल्ला? ये हुजूर ये लापरवाही नहीं है, ये सबसे बड़ी साजिश थी। किसकी साजिश है ये? ये संभा की लोगों की साजिश थी। संभा के लोगों की साजिश? हुजूर मैंने उनको आग लगाते हुए अपने आंखों से देखा है। मुल्ला चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अक्का साहब चला, कहीं करा आइए हुजूर, आइए। ये देखिए, ये देखिए, नमक हराम भी शामिल था। मुझे मारने आया था मुल्ला अहमद को, मैंने उसे मार दिया। संभा को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस कारदामी की सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं छोड़ूंगा संभा मैं तुझे, ये रात तेरे लिए आखिरी रात होगी। नहीं छोड़ूंगा मुल्ला मैं संभा को। आग आग, भागो भागो, जल्दी भागो। हमारे पहरेदारों का क्या हश्र किया है? क्या हुआ? या अल्लाह, इसका मतलब हुजूर संभा भाग गया। या मेरे खुदा, हुजूर आप कैसे पकड़ेंगे उसे? पकड़ेंगे मुल्ला, उतर जरूर पकड़ेंगे। फौज को खबरदार कर दो कि कुछ भी हो जाए संभा भागना नहीं चाहिए। चलो Thank you.
हुजूर, ये संभा अगर भागा होगा तो इसी नक्शे के मुताबिक। बिल्कुल, लेकिन किस रास्ते से? अगर संभा इस रास्ते से गया है तो कुछ ही दूरी पर बुरहानपुर से आई फौज मौजूद है। मैं काम करो, अपने जासूस भेजकर उन्हें खबर करा दो। बिल्कुल हुजूर। और एक बात हुजूर, इस फौज के साथ हमारे बहादुर खान साहब भी हैं। हाँ, बहुत खूब मुल्ला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहादुर खान उसे रास्ते ही में रोक लेगा। लेकिन हुजूर, हुजूर ये नक्शा तो संभा के हाथ लगा ही नहीं था, उसके पहले ही आपने हथियार लिया था। हाँ मुल्ला बिल्कुल। फिर क्या संभा इस रास्ते से भागा होगा? यहां से? अगर यहां से भागा तो बहुत ही अच्छी बात है मुल्ला अहमद। वो कैसे हुजूर? वो ऐसे मुल्ला अहमद कि यहां तो हमारे पठानों की चुनिंदा फौज गश्त पर है, अगर वो उधर से गया तो समझ लो मौत के मुंह में गया। सुभान अल्लाह। एक काम करो मुल्ला अहमद, कुछ सिपाही लेके तुम उसका पीछा करो। जी हुजूर। हाँ रुको मुल्ला। हुजूर याद रखना, घोड़ों की टापों की आवाजें वो सुन ना पाए। अगर उसने घोड़ों की टापों की आवाजें सुन ली तो कहीं छुप कर बैठ सकता है और फिर उसका मिलना मुश्किल है। लेकिन हुजूर पीछा तो करना पड़ेगा, ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। अरे ज्यादा दूर कहाँ जाएगा, उसकी बहन जो उसके साथ है। ओ, रानू अपा। हाँ, अपनी बहन को लेकर कहाँ भागता फिरेगा, पकड़ा ही जाएगा वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सावजी काय खबर? नाईक तुम्ही पाठवलेला नकाशा दिलेर खानाने पकडला। काय म्हणजे आपला पांके गावलाय? वय म्हणजे आता शिवराज जाणार पश्चिमेला, आपण आहे इकडे उत्तरेला। चुकामुक होणार? अरे चुकामुक कसली, सगळं जोर बेतल। दिलेर खानाच्या गस्तीची फौज तिकडे आहे म्हणून आपण इकडे आलो होतो। आता आता आपल्याला तिकडे निघावं लागल। त्यात दारूचं कोठार उडवलंय म्हणजे युवराज तिथनं बाहेर पडला असणार। हे बघ, युवराज पश्चिमेला ठरल्या ठिकाणी पोचायच्या आधी आपल्याला तिथं पोचावं लागल। पल्ला लांबचा आहे पर आपल्याला निघावं लागल, चल लवकर। हुजूर, संभाजी छावनी से भाग गया है। क्या संभाजी छावनी से भाग गया? जी हुजूर, इस बार संभाजी आ सकता है, यहां से स्वराज के सीमा पास है। हमारा नाम इखलास खान है, हमारी इजाजत के बिना चीटी भी नहीं जा सकती है, तो फिर संभा कैसे जाएगा? चलो। अक्का साहब घाबरू नका, आम्ही आहोत। हम भी हैं। Thank you.
हुजूर हुजूर जल्दी बोलो क्या खबर है हुजूर संभा पश्चिम की ओर भाग निकला है इसका मतलब मेरा अंदाजा सही निकला और खुशखबर यह है कि सरदार इखलास खान ने संभा को घेर लिया है बहुत खूब अपनी फौज से कहो जो पश्चिम की तरफ कूच करे बिना वक्त गवाए चलो यलगार हो त्या मावळतीला शंभू राजासनी इखलास खाननी गाठलं अरे देवा धुमस चक्री चालले हे चौघे जण आणि इखलास खान बस आता काही सांगू नको चल लवकर आपल्याला तातडीने जावं लागल युवराजासनी निरोप पोहोचवण्यात लय मोठी गफलत झाली चल काय झालं युवराज राणूबाईंना घेऊन छावणीत निसटलं निसटलं पर दिलेर खानानं पाठलाग सुरू केलाय बहिर्जी कुठे आहेत दिवस मोठा घोटाळा झालाय महाराज नायकांची आणि युवराजांची चुकामुक झाली आहे चुकामुक वय आपल्याला वाऱ्याच्या वेगानं पळावं लागेल दादासाहेब बहिर्जी काका कुठे आहेत अक्कासाहेब काहीतरी फसगत झाली ठरल्या ठिकाणी येऊनही बहिर्जी काका दिसत नाही इथंच घोडी घेऊन थांबणार होते ते आई भवानी अक्कासाहेब चला
काय झालं? नाही नीट बघितलं का? दिलेर खानाला आपली दिशा समजली, तो आपल्या मागावर असेल. अक्कासाहेब प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे, चला उठा. दादासाहेब आम्ही खरं सांगतो, नाही होणार आता. एक काम करा, आमच्या पाठीवर बसा, चला. दादासाहेब आम्ही थांबतो, तुम्ही निघा. काय बोलताय अक्का साहेब? खरं तेच बोलतोय आम्ही. आमच्यासाठी वेळ दौडू नका, आमच्यापेक्षा तुमची सुरक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. तुम्ही निघा, आम्ही थांबतो. आम्ही आमच्या परीने गनिम थोपून धरतो. अक्का साहेब आता बोलण्यात वेळ वाया घालू नका, पाणी प्या आणि निघा. आता साहेब कळत कसं नाही, आमच्यामुळे तुम्ही अडचणीत याल. जा, आलो तरी परवा नाही आम्हाला त्याची. आणि काय अक्का साहेब, आम्हाला स्वराज्यात सुखरूप माघारी घेऊन जायला आला होतात ना तुम्ही, आणि आता तुम्हीच मागे थांबणार? अक्का साहेब अशी अर्ध्या वाटेवर साथ सोडू नका, चला. नाही दादासाहेब, तुम्ही स्वराज्यात सुखरूप पोहोचलात की झालं, आमचं काम संपलं. निघा आता. अक्का साहेब आम्ही ठाम आहोत, गेलो तर तुम्हाला घेऊनच जाणार. उठा. दादासाहेब दिलेर खानाशी आम्ही हुन्नर लढू, घटका दोन घटका आम्ही गनिम थोपून धरू, तेवढंच पुढे जायला तुम्हाला वेळ मिळेल. आणि आणि आलाच गनिम जवळ तर रामच्या अंगठीत जहर आहे. मग आपण सगळेच थांबू, लढू आणि मरू. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कसं जायचं तर सगळ्यांनी जायचं आणि थांबायचं तर सगळ्यांनी थांबायचं.